गन की डायरेक्टेड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम थ्री में बहुत सारी हिडन डिटेल्स एग्स और मार्वल कॉमिक्स और मार्वल मार्बल यूनिवर्स के इतने हैं जिन्हें आपने मिस कर दिया होगा इस कंप्लीट इसकेज मूवी को देखते टाइम बट फिकर नॉट क्योंकि वही बताऊंगा मैं इस वीडियो में सुपर फैंस आई एम स्वप्निल और यह कम्प्लीट ब्रेक डाउन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम थ्री का तो वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स अब मूवी की शुरुआत होती है मार्बल स्टूडियोज के लोगो इंट्रो के साथ लोगो का फॉर्मेट तो सेम रखा गया है लेकिन यहाँ पर मार्बल की सभी मूवीज के के सीन्स की की के सीन्स की की जगह सिर्फ गार्डियंस टीम दिखाए गए अब पिछली मार्बल मूवीज में भी Marvel ऐसा कुछ करता ही है पर मूवी स्पेसिफिक सीन्स दिखते हैं लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है की इस लोगो में सिर्फ एक मूवी के कैरेक्टर्स दिख रहे हैं जो मूवी के स्टार्टिंग में ही काफी डीप इम्पैक्ट डालता है क्यूँकी गार्डियंस की इस टीम की लास्ट मूवी होने वाली है एमसीयू में लेकिन एज एक्सपेक्टेड मूवी शुरू होती है रॉकेट पेज जब वो एक बेबी रकून था इस बेबी रकून को एक

के ऊपर हाई वोल्यूशनरी ने रॉकेट की ही तरह एक्सपेरिमेंट किया है। एक दिन जब वो सभी खुद को नाम देते हैं जिसमें है, है है जब रॉकेट को नोवा कॉप्स ने कैप्चर किया था तो उसके नोन एसोसिएट्स में लाइला का नाम भी था बट वॉल्यूम थ्री की स्टोरी आगे चल के रॉकेट के यहाँ से बाहर निकलने से पहले ही लाइला की डेथ हो चुकी थी तो मे जो गलती गार्डियंस की फर्स्ट मूवी में हो गई

रॉकेट उस उसपे अटैक करता है और उसका फेस छील के रख देता है एंड उसी की एक स्पेसशिप लेकर वो वहां से भाग जाता है जिसके आगे की कहानी हमें फर्स्ट दोनों पार्ट से पता है अब करंट टाइमलाइन में रॉकेट हमें दिखता है प्लेनेट पे जहाँ वो अपनी एंटी ग्रेविटी बूट्स टेस्ट करता है जो कि बाय द वे मूवी के मिड और एंड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेकिन जैसा हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल में देखा था गार्डियंस की टीम सेटल हो चुकी है नो वेयर प्लेनेट पे जो पहले घर हुआ करता था कलेक्टर का लेकिन गार्डियंस की टीम ने इसे कलेक्टर से खरीद लिया है रॉकेट यहाँ पर गाने

जब वो अपनी पावर्स को लेकर क्रैगलिन को चिढ़ाती है तो गुस्से में क्रैगलिन उसे कहता है बैड डॉग जो मूवी के क्लाइमैक्स बैटल में उसे करेक्ट करना पड़ता है क्योंकि कोई डॉग बैड डॉग नहीं हो सकता जैसे दिखने वाले जिन पे बैट लगा रहा था फर्स्ट पार्ट में यही पे हमें प्रॉपरली दिखती है नेबुला की न्यू नैनोटेक आम जो आगे चल के हमें पता चलता है की रॉकेट ने उसके लिए बनाई है अब ये नहीं बताया गया की ये आम उसे कहाँ से मिली लेकिन हॉलीडे स्पेशल में हमने नेबुला को बकी के आम रॉकेट को गिफ्ट करते हुए देखा था तो हो सकता है उसी आम को मॉडिफाई करके रॉकेट ने वापस लगा दिया है नेबुला को अब रॉकेट अपने रूम में जाकर वही पुराने की पैड को निकाल के अपनी पॉकेट में रखता है लेकिन तभी उस पर अटैक करता है एडम जो बिलोंग करता है सोवेन को जिन्हें हमने वॉल्यूम में देखा था जहाँ से रॉकेट ने चुराई थी उनकी बैटरी कॉमिक्स में एडम वॉर्लॉक को क्रिएट किया था एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने जिन्हें एनक्लेव कहते थे वो बनाना चाहते थे एक परफेक्ट ह्यूमन जिसका नाम उन्होंने पहले हिम रखा था लेकिन बाद में उसकी मदद ली हाई वॉल्यूशनरी नहीं

था जहां पर वो अपनी टीम के साथ था लेकिन यहां पर उसकी टीम के मार्टिन क्रूगर और मेन फ्रेम दिखते हैं लेकिन अलेटा ऑगर्ट और चार्ली ट्वेंटी सेवन नहीं दिखते अब अलेटा ऑगर्ट का कैरेक्टर प्ले किया था एक्ट्रेस मिशेल ने जो ऑलरेडी एमसीयू में रिकॉस्ट होके शैंक के आंट का रोल प्ले कर रही है जो रीजन है उनके यहाँ से होने का यही पर एक रेवेजर का पेट एनिमल है जिसका नाम है ब्लर जो जेम्स गन ने ट्विटर पे बताया था और रेवेजर्स की इस टीम के साथ ही मिलती है गमोरा यानी कि जो मैंने मूवी के दो ट्रेलर ब्रेकडाउन में गेस्ट किया था वही बात सही निकली अब गमोरा के थ्रू रेवेजर्स को हायर करती है नेबुला ताकि वो ऑर्गोस्पेयर में घुस के रॉकेट

टैक करते हैं ऑर्गोसफेयर के गार्ड जहाँ फाइट के बीच कमोरा बात करती है कैरेट गार्ड को मारने की अब डीसी कॉमिक्स में एक रेपिड सुपर हीरो है है जिसका नाम कैप्टन कैरेट लेकिन मार्वल कॉमिक्स में भी एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ ग्रूट एक जाइंट कैरेट है जिसका नाम है रूट और आई एम ग्रूट कहने की जगह वो कहता है आई एम रूट इसकी और डिटेल्स आपको माइटी कैप्टन मार्वल इश्यू 127 में मिल जाएंगी लेकिन इसे बैटल में दूसरी तरफ ड्रैक्स पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और हमें फर्स्ट फेक डेथ दिखाई जाती है जो बाय द वे मूवी में टोटल तीन है

सोसाइटी बनाना चाहता था और यहीं पर सेटल किए उसने वो न्यू मैन जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखे थे काउंटर रथ पे एंटर करने पे गार्डियंस को सबसे पहले दिखती है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के सिमिलर हाई वोल्यूशनरी का स्टेच्यू जो टॉर्च की जगह एक मंकी को पकड़े हुए है जब गार्डियंस की शिप यहाँ लैंड होती है तो सभी न्यू मैन उन्हें घेर लेते हैं एंड ड्रैग्स एक बच्ची की फेंकी हुई बॉल उसी के सिर पे दे मारता है जिससे सब लोग उन उनपे अटैक करने लगते हैं और यही हमें ग्रूट का एक न्यू अवतार दिखता है एक जायंट फॉर्म में जो मूवी के मिड क्रेडिट सीन में प्रॉपरली दिखेगा यहाँ पीटर क्विल उसे

बैकपैक जो हमने पिछले पार्ट्स में और मोर रिसेंटली आई एम क्रूड सीरीज के फिनाले एपिसोड में भी देखा था इसी में पीटर कुल की माँ और उसके ग्रैंड की एक पिक्चर दिखती है अब कार से जाते टाइम ये लोग काउंटर रथ पे कई क्रिएचर्स को ऑब्जर्व करते हैं जिनमें से एक क्रिएचर ड्रग डील करते हुए दिखता है ये क्रिएचर बिल्कुल मैच करता है स्टार वॉर्स के बिब फोर्च्यूनर से लैब में हाई वोल्यूशनरी के सामने दिखती है एक टेस्ट सब्जेक्ट जो मूवी के मिड क्रेडिट सीन में फिर से दिखेगी जिसका नाम है फिला फिला वेल मार्बल कॉमिक्स में एक पावरफुल कॉस्मिक हीरो है और ये रिलेटेड रही

स्पेसशिप के साथ पीटर और ग्रूट से मिलती है जो थील की मेमोरी में स्टोर्ड पासवर्ड लेके रॉकेट को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन रॉकेट ऑलमोस्ट मर जाता है जहाँ एक नियर डेथ एक्सपीरियंस की वजह से वो मिलता है टीफ और फ्लोर से लेकिन उसे बताती है है अभी उसका टाइम नहीं आया है। यही पे लाइला में ये स्टोरी हमेशा से रॉकेट की ही रही है और डायरेक्टर जेम्स गन ने ये बात इंटरव्यूज में भी कही है की सीक्रेटली रॉकेट ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज का मेन प्रोटेक्टनेस रहा है यानी कि तीनों पार्ट्स उसी के अराउंड बिल्ड रहे हैं बट

वासी, पूरा का पूरा नोवेयर प्लेनेट ही उठा लाते हैं यहाँ पे नोवेयर प्लेनेट को देख की, हाई उसे और करने वाला होता है तब हमें दूर रहने को कहता है यही पर मैं किया जाता है ड्रैक्स की डॉटर को उसकी डॉटर और वाइफ के मरने के बाद ही वो रोनन को मारने के पीछे पड़ा था जिस वजह से वो पार्ट बना था गार्डियंस की टीम का लेकिन हाई वोल्यूशनरी की शिप पे अटैक होते ही वो अबिलिस के चेंबर

साथ नोवेयर पे भी अटैक करने लगते हैं। यहाँ एक बार फिर क्रैगलिन ट्राई करता है, कर के के है, है, है।, है। जहाँ वो उसे फिर से गुड डॉग कह के खुश कर देता है जब हाई रेवल्यूशनरी गार्डियंस को मारने के लिए अपने गार्ड्स और सब क्रिएचर्स को मारने का ऑर्डर देता है तो उसके गार्ड्स भी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं बट वो उन सबको को खत्म कर देता है अब सभी गार्डिया इकट्ठे होते हैं जहाँ हमें एक ग्रुप शॉट मिलता है और रॉकेट के मोटिवेट करने पर एक कंटिन्यूसली शूटेड फाइट सीन में पूरी टीम फाइट करती है इन खुद जेम्स ने किया है अब सभी ह्यूमंस को हाई वोलर की डिस्ट्रॉय होती स्पेसशिप से नोवेयर पे ले जाने के लिए कॉस्मो यूज करती है अपनी पावर्स जिससे वो दोनों को जोड़े रखती है जब कॉस्मो स्टेबल नहीं हो पा रही होती तो मैंटेस उसकी पावर

आ जाता है जो रॉकेट पे बुरी तरह अटैक करता है लेकिन इस बार पूरी तरह की मदद को अच्छी पीटने में। और एंड में उसे स्टैब करके उसका फेस मास्क निकालती है जो रिविल करता है की सालों पहले रॉकेट के किए अटैक का रिजल्ट हाई वॉलिशनरी के डिस्ट्रॉय हो चुके चेहरे के रूप में बट एंड में रॉकेट उसे मारता नहीं है क्यूँकी वो लोग गार्डियंस है लेकिन वो लोग उसे बचाते भी नहीं है और से उसकी शिप के साथ ही मरने के लिए छोड़ देते हैं लेकिन अब ये सभी क्रिएचर्स भी रेस्क्यू कर लिए जाते हैं नोवेयर प्लेनेट पे कॉस्मो जो बड़ी मुश्किल से अपनी पावर्स होल्ड किए होती है उसका कनेक्शन लास्ट मोमेंट पे टूटता है जब क्विल जाता है है अपने को बचाने के लिए लिए जो उसके काफी इंपॉर्टेंट चीज लेकिन मूवी में हमें एंड में पता चलता है कि ये डिवाइस वो सेव कर रहा था रॉकेट के लिए जो ये चीज प्रूव करता है की रॉकेट अब उसके लिए इस म्यूजिक प्लेयर से भी इंपॉर्टेंट हो गया है बट स्पेस में बिना मास्क के होने की वजह से वो फ्रीज होने लगता है लेकिन एंड मौके पे उसे बचाता है एडम वॉरलॉक अब इस सीरियस से सीन को फनी बनाता है एडम वॉरलॉक का पीटर क्विल की तरफ पहुंचने वाला सीन जो रेफरेंस है माइकल एंजेलो की फेमस पेंटिंग द क्रिएशन ऑफ एडम का अब फाइनली सभी गार्डियन स्नोवेर पे इकट्ठा होते हैं जहाँ वो एंड में डिसाइड करते हैं सेपरेट होने का क्विल अपनी कैप्टनशिप देता है रॉकेट को और सभी उसे सल्यूट करते हैं यहाँ पर सभी गार्डियंस एक सर्कल में खड़े दिखते हैं रॉकेट के अराउंड बिल्कुल रेप्लीकेट करते हुए फर्स्ट मूवी के फाइनल बैटल से पहले का सीन जहाँ ठीक इसी तरह सभी रॉकेट के अराउंड खड़े होते हैं और रॉकेट उन्हें ये कहता है Now I'm standing. Y'all happy? We're all standing up now. Bunch of jackasses standing in a circle. लेकिन यहीं पर एक वियर्ड मोमेंट में ग्रूट फर्स्ट टाइम बोलता है और वो कहता है आई लव यू गाइज अब गार्डियंस की टीम में ग्रूट ही अकेला वो मेंबर है जिसकी लैंग्वेज काफी अलग है यानी कि वो सिर्फ तीन वर्ड्स बोलता है आई एम ग्रूट जो उसके प्लेट की लैंग्वेज है और थॉर को भी ये आती है लेकिन गार्डियंस जो धीरे धीरे उसके साथ जुड़े हैं वो भी धीरे धीरे ये लैंग्वेज समझने लगते हैं इवन ये नई गमोरा जो इस टीम के साथ इस मूवी में आके जुड़ी है वो भी मूवी के एंड तक ग्रूट की लैंग्वेज समझ जाती है तो जब एंड में ग्रूट कहता है आई लव यू गाइज तो ये मेटाफोरिकली ये बता रहा है कि अब हम फैंस जो इस मूवी को बाहर से देख रहे हैं उन्हें भी ग्रूट की लैंग्वेज समझ आ गई है फाइनली हमें रॉकेट दिखता है साथ पे। वही गमौरा जाती है के साथ वो अपनी फैमिली मानती है नेबेर पर इस प्लेनेट को बेटर करने के लिए रुकती है तो वही ड्रैक्स को वो रोकती है इन बच्चों की केयर करने के लिए जहाँ बच्चों के कहने पे फाइनली ड्रैक्स डांस करता है जो की एक और कॉल बैक है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी

से चेकआउट कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में